अनस, तू यहाँ क्या कर रहे हो? सब कुछ बिगड़ चुका है, उसे ठीक करने आए। दादाजी का है, मुझे मिलना है उनसे। लड़के, इस घर की बुनियादें हिलाने के बाद अब क्या करने आए हो यहाँ? दादाजी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? बहुत छोटा लफ्ज है दादाजी। जो होना था वो तो हो गया, और मैं और लिश्पा छुपके निकाह नहीं करना चाहते थे। हम लोग तो चाहते थे कि आप लोगों की खुशी और रजामंदी शामिल हो इस रिश्ते में। हम लोग आपके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, बट हमें कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। दादाजी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसलिए तुमने हमारे घर की इज्जत को चादर और चार दीवारी से बाहर निकालकर बगावत करने पर आमादा किया। दादाजी, आपका गुस्सा जायज है अपनी जगह। मैं अपनी तरफ से और रिश्वत की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आप बड़े शोर वाले, दुनिया देखी है आपने, लेकिन जो हो गया मैं उससे बदल नहीं सकता। वक्त को बोर्ड के वापस नहीं ला सकता दादाजी। आपसे गुजारिश, आप जब भी अलिश्बा को इस घर से मेरे साथ रुखसत करेंगे तो अपनी दुआओं के साए में करें। तुम यहां क्या कर रहे हो? उठो, निकलो यहां से। वो निकलो यहां से। तुमसे बेहतर है बंदा सांप पाल ले। क्या झूठे झांसे दिया मेरी बहन को? निकलो यहां से। बीवी है वो मेरी, प्यार करता हूं मैं उससे, तुमसे कई ज्यादा इज्जत भी करता हूं मैं। तभी तो बगैर सोचे समझे मैं यहां पर आ गया तुम लोगों का सामना करने के लिए, कि तुम लोग उसका बाल भी बिका ना कर सको। समझ में नहीं आ रही ना? तुम सबके सामने से ले जाऊंगा मैं उसे यहां से। तुम लोग मेरा मुंह देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाओगे। तुम लेकर जाओगे उसको? तुम हो कौन? उससे पहले तुम्हारी जान नहीं निकाल दूंगा मैं। इस तरह तो तुम अपनी बहन को बेवा करने के कसूरवार कहलाओगे। क्यों मेरे कत्ल का बोझ अपने सर पे लेके घूमना चाहते हो? मैं तुम्हारे खानदान का नहीं हूं ना, सिर्फ इसलिए। बस यही कमी है मुझमें, प्यार करता हूं मैं अलिश्बा से। अनस, खुश रखूंगा उसे। सर, अभी तो मैं जा रहा हूं यहां से। बस यही कहने आया था मैं यहां पर। आप लोगों के मुस्बत जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। और हां दादाजी, जाते जाते एक और बात, कब तक इस सदियों पुरानी घटिया रीति रिवाज को लेके बैठ के रोते रहेंगे आप लोग? जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है, एडवांस हो चुकी है, और अगर जिंदगी के साथ आप लोग आगे ना बढ़े तो मुझे डर है कि पछतावा आप लोग का नसीब बन के रह जाएगा। अल्लाह हाफिज़।